अरे बहू जी, चाय के लिए कहा था जी, लाई। आपको नींद नहीं आ रही है? नहीं, आप ही का इंतजार कर रही थी, आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, बोलिए। आपको याद है जब हमारी शादी हुई थी तो आपने कुछ वचन दिए थे? मुझे तो याद नहीं आ रही। क्या शादी को इतना कौन सा टाइम हो गया कि आप वचन भूल गए? बहुत प्रेशर रहते है काम का, इस वजह से याद नहीं आ रहा। अच्छा, मैं याद दिलाती हूँ, आपने मुझे एक वचन दिया था कि जैसे मैं अपने मायके में पढ़ाई कर रही हूँ, आप मुझे शादी के बाद यहाँ पे भी पढ़ने देंगे। तो मुझे पढ़ने जाना है तो उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट था। पैसों का कितना पैसे चाहिए? 15,000 के आसपास चाहिए, अरेंज हो पाएगा? हाँ ठीक है, इतना तो नहीं है मेरे पास, एक बार मेरे पापा से पूछता हूँ। जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि वहाँ सीट लिमिटेड रहती है। अच्छा, मुझे लोकेशन कहाँ पे? दिल्ली। प्रियंका बोल रही थी कि उसको बाहर जाना है। बाहर कहाँ जाएगी बहू? पढ़ाई करने के लिए। पढ़ना चाहती है तो जाए, दिक्कत क्या है? लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। पैसे कितने की जरूरत पड़ेगी बेटे? 15,000 बोला उसने। 15,000 इतने तो नहीं होंगे मेरे पास। फिर भी अब काम चलाने के लिए कितने लगेंगे? आपके पास कितने हैं? 5,000-7,000 का बंदोबस्त मैं कर सकूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है, कर देना मेरे पास से, कल सुबह वो निकलेगी बस से। ठीक है बेटे, मैं व्यवस्था करता हूँ, आप अपनी तैयारी करना, बहुत कहना कि तैयारी करें। ठीक है, ठीक है, सो जी, सो जाना, परेशान मत हो। पैसे का बंदोबस्त हो गया है। सच में? हाँ सच। यानी कि मैं फिर पढ़ने का नहीं जा सकती? हाँ। अभी कितने बजे निकल रहे हो? 11 बजे। 11 बजे ठीक है, रेडी हो जाओ। ठीक। हाँ बेटे, तैयारी हो गई? हाँ, 11 बजे निकल लिया ट्रेन का। तो कहना तो बढ़िया है, जरा देखो तैयार नहीं क्या? हाँ चलो, तैयार हो गई? नहीं। हाँ हाँ हो गई, चलिए बाबूजी से मिलते हैं। चलिए बाबूजी। हाँ बेटे, तैयार हो गए? जी बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए जिस काम के लिए जा रही हूँ वो हो जाए। यशस्वी हो। हाँ तो बस जरा बस स्टैंड पर छोड़ के आना बहू को। जी जी पापा। चलो। पापा पापा मारा उसने। अरे बेटे क्या हुआ? स्कूल में एक लड़के ने मारा मुझे। किसने? एक लड़का है नमन नाम का। तूने कुछ शैतानी की? मैंने कुछ नहीं किया था, मैं फालतू पंगे ले रहा, मैंने उसको सिर फोड़ दिया। सर फोड़ दिया, ये तो गलत किया बेटा तूने। कहीं तुझे तुझे कहीं चोट आई? मुझे यहाँ पे चोट आई थी। क्या वो छोड़ो तो बस जरा देखना। हाँ, किसने से मारा? किसने मारा तेरे को? मेरे स्कूल में एक बच्चा था, उसने मारा मुझे। बेटा तो बस ये फोन नहीं चल रहा, जरा देखना तो क्या हो रही है, नया ऑन नहीं हो रहा, जरा कुछ ऑन ये देखो। टीम अरे वाह, तो मास्टर है क्या? हाँ। अरे कौन? अरे क्या हाल है? ठीक है, इतने दामे की बोल गया।
अरे क्या बोल रहे हो यार? आओ बेटा, आओ कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया क्या चिट्टू, गेम बहुत खेलता है। बहुत गेम सुन रहा है। और घर पे सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया है। थोड़ा पानी लेके आना। और बताइए पिताजी क्या चल रहा है? बस ठीक है। पापा कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया है। बस तब बस मैं सोचा इतनी रात में क्यों कॉल कर दिया। मेरा आने की परेशानी है उसे। ये लो जापानी के। और छोटू कैसे चल रही पढ़ाई? बढ़िया। बहुत बदमाश लगता है। आजकल के बच्चे तो क्या बहुत बदमाश होते हैं। बेटा किस क्लास में हो? 8 पे पहुंच गए। कुछ कह रहा था ना तेरे पास? हाँ हाँ वो पापा जी पैसे के बारे में चाहिए। तो बता भाई कैश तो नहीं है? ठीक है ठीक है। 900-234-3581 देखो मैं। हाँ हाँ बोल देना। बाबू जी मुझे मुझे ऐसा लगता है ये प्रियंका भाभी जो है वो कुछ ना कुछ करेगी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि शादी हो गई इसके बाद भी वो इतना मेहनत कर रही है अपने परिवार को छोड़ के। ठीक है वो बाहर गई है पढ़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचा। हां देखो मैंने पैसा भेज दिया। जी मैं चेक कर दूंगी। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा ठीक है। जी 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 मिल गया मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है। जी रखता हूं। हां एक दोस्त आया उसके साथ में बातचीत। जी जी ठीक है फ्री होकर फोन कर दूंगा। सब कुछ ठीक है ना वहां पे? हां हां सब ठीक है। अच्छा ठीक है अपना ध्यान रखना। ठीक है बिल्कुल आप भी रखिए। ओके हाँ भाई पहुँच गया। थैंक यू यार। अरे थैंक यू भी क्या बात है। एक मिनट बेटा तपस। हाँ पापा जी। बड़े दिन हुए बहू की कुछ खबर? खबर हाँ वो एग्जाम का तैयारी कर रहा था इसलिए वो बिजी है इसलिए बोला अभी मैं बिजी हूँ तो फिर जब को टाइम मिलेगा वो फोन करेगा। लेकिन वो बताया कि आज आने वाली। आज आने वाली है? अच्छी बात है। सुना वंश आपकी भाभी आज आएगी। है ये बेटी आ गई? जी बाबूजी। बाबूजी मेरी आईएएस में सिलेक्शन हो गई। अरे वाह बड़ी अच्छी बात है भगवान की कृपा है। कांग्रेचुलेशन बाबूजी। थैंक यू। आपके मेहनत का फल रंग लाया है। वो तो है बाबूजी लेकिन उसके साथ साथ आप दोनों की मेहनत और आप दोनों के सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पहुँची। मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा से है।